ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि मौजा शिवचक भवापार ब्लॉक पिपरौली थाना बेलीपार महादेव झरखंडी टुकड़ा नंबर 1 मंदिर रोड थाना कैंट तथा मौजा गुलहरिया बाजार थाना गुलहरिया में एक एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को पाया गया है, जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के निमित्त मौजा बरगदवा के 250 मीटर की परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 मीटर की परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उस परिधि सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस परिधि क्षेत्र में आम जनमानस का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम सदर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उस परिधि सीमा में जनमानस के रोजमर्रा के सामानों को बिक्री आपूर्ति प्रतिष्ठानों को खोलकर किए जाने के लिए निर्गत समस्त ऑफलाइन एवं ऑनलाइन ई पास को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए मौजे की नियत परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह की दुकानें खोलना अथवा आवागमन एम्बुलेंस मजिस्ट्रेटगढ़ के राजकीय वाहन तथा पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारियों के वाहन कोरोना वॉरियर्स को छोड़कर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। उस परिधि क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से पाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा घोषित ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। उस हॉटस्पॉट क्षेत्र के लिए मौजा शिवचक भवापार ब्लॉक पिपरौली थाना बेलीपार के क्षेत्रीय लेखपाल कृष्णानंद श्रीवास्तव महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 मंदिर रोड थाना कैंट के क्षेत्रीय लेखपाल उमेश तिवारी तथा मौजा गुलरिया बाजार थाना गुलरिया के क्षेत्रीय लेखपाल शेषनाथ वर्मा को इंसिडेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि अब तक सदर तहसील में कुल 14 हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं। सभी हॉटस्पॉट में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पोर्टल ऐप के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। पब्लिक है, जनता है, जो मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये कतई बाहर में निकले घूमे, सभी लोग अपने घरों में रहे, इसके खिलाफ सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हॉट स्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति रोड पे घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, सभी लोग अपने घरों में रहेंगे। बार बार बताने के बावजूद आप लोग द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, तो ये कतई क्षम में नहीं होगा, फिर आप सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना बेलीपार में बना है, थाना गुलरिया है और थाना कैंट में आदि जाते हैं। तीन हॉटस्पॉट बने, एक उसका में था, पहले से ही एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो वहाँ पे भी एक और पेशेंट पॉजिटिव पाया गया, तो तीन नए हॉटस्पॉट हमने बनाए हैं, थाना बेलीपार, थाना कैंट और थाना गुलरिया। अब तक कितने हुए सर? अब तक हमारे 14 हॉटस्पॉट बन चुके हैं हमारी तहसील सदर में, इसमें से 6 हॉटस्पॉट हमारे शहर में हैं, बाकी के 8 हॉटस्पॉट गाँव में।